सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर फार्मेसी एग्जाम्स। आप अपने फार्मेसी एग्जाम्स, चाहे वो डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, चाहे वो बैचलर इन फार्मेसी हो, बी फार्मेसी, आप मैक्सिमम मार्क्स उसमें कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक से पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, जो आई होप आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपको समझ आए वो पॉइंट्स, आप उन पर ध्यान दें और अपने एग्जाम्स में अच्छा कर पाएं। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं सारे पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, रीड द क्वेश्चन पेपर फुली एंड देन स्टार्ट अटेम्पिंग द क्वेश्चन। आपके हाथ में जब भी क्वेश्चन पेपर आता है, देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने शुरू करने हैं। मान लीजिए 8 क्वेश्चन हैं आपके, आपको सारे ही 8 क्वेश्चन पढ़ने हैं और बेस्ट 5 जो है उनको टिक मार्क कर लेना है और फिर स्टार्ट करना है अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। और उसमें से भी जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है, मान लीजिए आपको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर सबसे अच्छे से आता है, तो वही क्वेश्चन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है जिसका आंसर आपको सबसे अच्छे से आता है। क्योंकि क्या होता है, काफी बार एग्जामिनर आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चन चेक करते हैं और उसके बेसिस पे ही उनको पता चल जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, और वो एज्यूम कर लेते हैं कि आपको वो सब्जेक्ट आता है या नहीं आता है अच्छे से, और उसी के बेसिस पे आपके जो बाद वाले आंसर्स होते हैं, जैसे 3rd क्वेश्चन, 4th या 5th क्वेश्चन के आंसर, उसको वो जज कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, बेस्ट क्वेश्चन पेपर जो है, बेस्ट क्वेश्चन जो है उनको टिक मार्क कर लेना है, और उनमें से भी जो सबसे अच्छे से आता है फर्स्ट या 1 या 2 क्वेश्चन, वो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं अपनी आंसर शीट पे। सो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है, देखिए, गिव अ क्वेश्चन एज मच टाइम एज नीडेड। मतलब क्या है, देखिए, मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपके पास 2 to 3 आवर्स का टाइम होता है, मेनली 2 घंटे या 3 घंटे दिए जाते हैं आपको। सो आपको क्या करना है, आपको अपनी वॉच सामने रख लेनी है, आपको टाइम देखते रहना है, आपको हर क्वेश्चन को अबाउट 20 मिनट्स देना है। उस 20 मिनट में आपको क्वेश्चन कोशिश करनी है कि वो आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर पाएं, उसका आंसर लिख पाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है और उसी में आपने उसको 1 घंटा दे दिया है क्वेश्चन को, और बाद के जो 4 क्वेश्चन हैं उसके लिए आपने सिर्फ 1 ही घंटा छोड़ा है। बहुत सारे बच्चे इस तरह की गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां आप रिपीट ना करें। हर क्वेश्चन को आप 20-20 मिनट दें और थोड़ा सा टाइम जो है वो बाद के लिए रखें, थोड़ा सा 5 से 10 मिनट, ताकि आप पूरे ही अपने आंसर शीट को अच्छे से पढ़ पाएं, अगर कोई पॉइंट्स हैं तो उनको देख पाएं फिर से। तो ये था, देखिए, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, देखिए, सी द मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर अटेम्पिंग द क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, देखिए, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, देखिए, इसमें इस तरह से मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है आपके पेपर में। कोई क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का होता है, कोई क्वेश्चन पूरा ही 16 मार्क्स का होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं, 3 and 2 मार्क्स के होते हैं। सो जिस तरह से आपको मार्क्स दिए जाते हैं क्वेश्चन में, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंग उतने ही वर्ड्स में आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होता है। 16 मार्क्स का है तो आपको सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, 8 मार्क्स का है तो एक तरह से शॉर्ट नोट आपको एक्सप्लेन करना है, 1 से 2 पेजेस में आप एक पेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको आपको उतने ही वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 16 मार्क्स का है तो आप उसको कम एक्सप्लेन कर रहे हैं और 8 मार्क्स का क्वेश्चन क्योंकि आपको अच्छे से आता है तो आप सारे ही पॉइंट्स लिखना चाहते हैं उसके बारे में, तो इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करना है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, आपको चार्ट या टेबल या फिगर ड्रॉ करना है अगर कोई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको दिखाने के लिए। क्योंकि ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, चार्ट, टेबल या फिगर, ये क्या करती है, ये एग्जामिनर का अटेंशन को ग्रैब करती है। जब भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा होता है, आंसर शीट चेक कर रहा होता है तो उसके पास क्या होता है, उसके पास सिर्फ आपकी आंसर शीट नहीं होती, बहुत सारे बच्चों की उसको आंसर शीट चेक करनी होती है। और कभी कभार क्या होता है कि जब उसको इस तरह की चार्ट, इस तरह की कुछ टेबल दिखती है या फिगर दिखती है तो वो उसकी अटेंशन को ग्रैब करती है, उसको अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ों को चेक करना, और उसको उस पर वो आपको एक्स्ट्रा मार्किंग भी दे सकते हैं। अगर आपने अच्छे से टेक्स्ट नहीं अच्छे से लिखा है, उसको वर्ड्स में नहीं लिखा है, बट आपने उसको चार्ट के फॉर्म में बना दिया है, तो एग्जामिनर खुश हो जाते हैं और उस पर भी आपको अच्छे से मार्क्स दे सकते हैं। तो ये आपको प्लीज़ ध्यान में रखना है, जितना हो सके उस जहाँ हो सके वहाँ चार्ट, टेबल या फिगर से एक्सप्लेन करने अपने आंसर्स को। लास्ट पॉइंट है, देखिए,
अंडरलाइन द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट. जैसे आप इस स्लाइड पे भी देख रहे हैं, जो जो चीज़ें बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप उसको अंडरलाइन कर देते हैं तो देखिए वो भी एक तरह से अटेंशन ग्रैब करती हैं, एक तरह से जो एग्जामिनर है उसका ध्यान जाता है उन चीज़ों पर. तो ये ज़रूर करें आप, अगर आपको लग रहा है कि आपको ये बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में, तो उसको अंडरलाइन ज़रूर कर दें ताकि जब भी एग्जामिनर उसको देखे उसकी सीधे ही उसकी नज़र उस पर पड़े और आपको अच्छे से मार्क्स मिल पाए उस आंसर के. सो देखिए बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपके पास आपके माइंड में भी कुछ पॉइंट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं. ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं. दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मिलते हैं अगले वीडियो में.